हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि। वेलकम टू रश आर्ट क्रिएशंस। सो आज मेरे पास है फ्रेम गिफ्ट आइडिया स्पेशली फॉर टीचर्स डे। सो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेम गिफ्ट बनाने के लिए आपको चाहिए थर्माकोल या कार्डबोर्ड, वाइट कलर पेपर, सीजर, लिक्विड ग्लू, पेपर कटर, पेंसिल, स्केल एंड सम स्केच कलर्स। तो सबसे पहले हम थर्माकोल को कट कर लेंगे अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मैंने कट किया है 7x8 एंड 5x6 इंच में, एंड आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो अब छोटे वाले जो थर्माकोल हमने कटिंग की है उसमें साइड से हम 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे, देन वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को कट कर लेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं थर्माकोल की जगह पर। ओके, अब इस लाइन को हम पेपर कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। ओके, अब जो बड़े वाले थर्माकोल का कटिंग है उसके जो शार्प कॉर्नर है उसे हम हल्का सा राउंड में कट कर लेंगे। और अब हम वाइट कलर पेपर को स्क्वायर साइज में कट कर लेंगे। आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्लावर और बटरफ्लाई के साइज के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट पेपर से हम फ्लावर कट करेंगे। उसके लिए पेपर को बीच से फोल्ड करके उसे 2 बार कोन शेप में हम फोल्ड करेंगे, एंड सेकेंड पेपर को हम बीच से फोल्ड करेंगे। और अब फर्स्ट पेपर में फ्लावर का पेटल ड्रॉ करेंगे एंड सेकेंड पेपर में बटरफ्लाई की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। सो डिज़ाइन रेडी है, अब इस डिज़ाइन को कट कर लेते हैं। पेपर से हमने बटरफ्लाई एंड फ्लावर की डिज़ाइन कट कर ली है, अब हम इसे और डेकोरेट करेंगे। सो फ्लावर को डिज़ाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी रेड कलर स्केच कलर, एंड आप चाहें तो अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली कलर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं आप फ्लावर को कट करने के लिए। बटरफ्लाई को डिज़ाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पर्पल एंड ब्लू कलर। सो मैं अपने स्केच कलर का यूज़ करके एक थिक आउटलाइन जो है क्रिएट कर रही हूँ फ्लावर में, एंड मैं बाकी की भी फ्लावर में रेड कलर ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अलग कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। सो मैं बहुत ही सिंपली बटरफ्लाई डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमें सिमिलरली ऐसे ही और भी बटरफ्लाई एंड फ्लावर जो है वो रेडी करने हैं। एंड जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे खूब सारे फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई रेडी किया है, 2 ब्लू कलर में एंड 2 पर्पल कलर में। ओके, अब फ्रेम को अटैच करेंगे। सो फ्रेम को आप सीधे या हल्का सा टिल्ड करके प्लेस कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे एक वाइट पेपर अटैच कर रही हूँ स्मॉल साइज फ्रेम में। आप इस वाइट कलर पेपर की जगह पे अपनी ड्राइंग, अपनी विशिंग या फोटो, जो भी आप अपने टीचर को गिफ्ट करना चाहते हैं वो अटैच करेंगे। और अब हम अपने फ्रेम पे फ्लावर्स को अटैच कर लेते हैं ग्लू की हेल्प से। एंड जैसा कि मैंने सारे फ्लावर्स को सेम कलर पे डिज़ाइन किया है, आप अलग अलग कलर पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको मल्टी कलर यहाँ पे चाहिए तो। तो सारे फ्लावर जो हैं वो स्मॉल साइज़ फ्रेम में अटैच हो गए हैं। एंड अब आप इसे बड़े साइज़ फ्रेम पे सीधा अटैच करें या टिल्ड करके जो बटरफ्लाइज हैं वो चारों कॉर्नर पे हम अटैच करेंगे। एंड अगर आप चाहें तो बटरफ्लाई की जगह पे फ्लावर एंड फ्लावर की जगह पे बटरफ्लाई रिप्लेस कर सकते हैं। सो सभी डिज़ाइंस को हम परमानेंट अटैच कर लेते हैं ग्लू की हेल्प से, देन इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए।
ओके सो मैंने इसमें कुछ येलो फ्लावर्स भी अटैच किए हैं एंड मैंने इसे ड्राई होने के लिए रखा था तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। और अब इसका स्टैंड बनाने के लिए थर्माकोल की एक स्क्वायर साइज कटिंग हम लेंगे, उसे कॉर्नर से ट्रायंगल में कट करेंगे जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपको फ्रेम को वॉल पे हैंग करना है तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इसे टेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्टैंड बनाना पड़ेगा। सो इस कटिंग को थोड़ी देर होल्ड करके हम रखेंगे ग्लू लगा के ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। एंड जैसा आप देख रहे हैं ड्राई होने के बाद ये टेबल पे स्टैंड होने के लिए रेडी है एंड हमारा फर्स्ट फ्रेम रेडी है। ओके मैंने कुछ और फ्रेम्स जो हैं वो रेडी किए हैं। सो ये जो है स्मॉल साइज़ फ्रेम मैंने रेडी किया है सिंपली प्रिंटेड पेपर से। इसकी कटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट वाले फ्रेम को कट किया था, देन मैंने इस पर प्रिंटेड पेपर या डिज़ाइनर पेपर जो है वो अटैच कर लिया है। ये प्रिंटेड पेपर हैं, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपने पसंद का कोई भी प्रिंटेड या डिज़ाइनर पेपर कट करके अपने फ्रेम पर अटैच कर सकते हैं एंड लुक इज़ सो सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सेकेंड फ्रेम मैंने रेडी किया है, सो इस पर मैंने पेपर का यूज़ किया है, प्लेन पेपर का। इसकी कटिंग ऐसी है कि इसके दो कॉर्नर को मैंने शार्प रहने दिया है, दो कॉर्नर की शार्पनेस कम कर ली है एंड इस पर मैंने प्लेन पेपर अटैच किया है एंड फ्रंट में मैंने ब्लैक एंड ब्राउन कलर का पेपर कट करके इसमें अटैच किया है। सो मैंने प्लेन पेपर यूज़ किया है, आप कोई भी क्राफ्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं एंड मैंने ब्लैक एंड ब्राउन यूज़ किया है, आप अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डिज़ाइन करने के लिए मैंने यूज़ किया है क्राफ्ट सितारा, ये भी आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल हो जाएगा डिफरेंट डिज़ाइन में। सो मैंने राउंड क्राफ्ट सितारा यूज़ किया है, इसे कट करके अपने फ्रेम पर अटैच किया है एंड मेरा फ्रेम जो है वो रेडी है। आप चाहें तो सारे फ्रेम साथ में यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग एंड क्योंकि मैंने इसे वॉल के लिए रेडी किया है इसलिए मैंने इसमें स्टैंड नहीं बनाया है। सो मेरे सारे फ्रेम्स जो हैं वो रेडी हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये गिफ्ट फ्रेम डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।